आज हम डिस्कस करेंगे मार्ले कैलिगन की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी द रनअवे। दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी है एक लड़के माइकल की जो कि किशोर अवस्था में है, और ये कहानी है उसके पिता की और उसकी सौतेली माँ की कहानी है। ये जो लड़का है ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट में है, एक द्वंद्व में है। इसके दिमाग में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो यंग एज होती है ये इस एज को, अगर जो हम मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो इस एज को तूफान वाली अवस्था भी कहा गया है, जिसमें हार्मोनल कुछ चेंज होते हैं और उन हार्मोन्स के चेंज होने के कारण हमारे जो एटीट्यूड है हमारे टेम्परामेंट में एक बदलाव आता है। तो ये जो कहानी है द रनअवे ये इसी बदलाव को दिखाती हुई कहानी है जो कि किशोर अवस्था में अधिकतर सभी के साथ होता है। ऐसा ही माइकल के साथ भी यहाँ पर हुआ है। माइकल जो है, सबसे पहले हम अगर जो उसकी बात करें, उसकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो माइकल जो है वो एज में अपने साथ के जो साथी हैं उनसे छोटा होता है, लेकिन शारीरिक रूप से वो हष्टपुष्ट है। उसके लंबे पैर हैं और वो विशालकाय एक बॉडी को लिए हुए है, मतलब, और जो उसके बाल हैं वो कर्ल हैं, ठीक है, उसके घने बाल हैं और वो कर्ल हैं। ये जो माइकल है ये बहुत ज़्यादा एक, इसका जो टेम्पर है ना बहुत ज़्यादा एक तरह से गर्म रहने वाला टेम्पर है, और ये चीज़ों को जो है दूसरे वे में बहुत ज़्यादा लेता है, मतलब एक नेगेटिव अप्रोच हम कह सकते हैं कि नकारात्मक रूप में चीज़ों को ये ज़्यादा स्वीकार करता है अपनी लाइफ में। तो ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, ये घर की जो परेशानियाँ चल रही हैं, घर में जो इनके कलह चल रही है उसका भी ये शिकार है। क्योंकि घर में क्या होता है, इसके माँ बाप हैं, ये अपनी सौतेली माँ को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है। माइकल को अपनी सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और कारण ये कि एक तो वो सौतेली है और दूसरा कारण ये कि इसके जो माँ बाप हैं ना वो अक्सर झगड़ते रहते हैं, वो झगड़ा करते रहते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करते रहते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि घर की जो ये कलह होती है, घर में जो एक कलेश होता है, इसका प्रभाव बच्चों की मानसिक स्तर पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनके जीवन में इसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है। तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, अपने माँ बाप से चिड़चिड़ा रहता है। दूसरा कारण, ये अपनी माँ को पसंद नहीं करता, इसका दूसरा कारण ये है कि इसकी माँ जो है वो इसको भला बुरा कहती है और मारती पीटती भी है, जबकि वो इसके अच्छे के लिए कहती है, लेकिन इसको लगता है कि वो सौतेली है, इस वजह से इसको उसका जो प्यार है वो इस प्रकार से समझ में नहीं आता। और वो जो है, जो ये माइकल है ये उसके प्रति एक घृणा रखता है, जबकि कहीं ना कहीं वो जो इसकी माँ है वो कहीं ना कहीं जो है सही होती है और उसके भले के लिए ही वो सारी बातें कर रही होती हैं। तो ये तनाव में रहता है, इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तनाव वाली ज़िंदगी होती है। और इसका एक इंसिडेंट एक बार क्या होता है कि ये जो है, वैसे देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छी बॉडी है इसका, ये शरीर इसका हष्टपुष्ट है, तो क्या होता है कि एक बार ये अपने दोस्तों के साथ होता है और वहाँ पर ये अचानक से, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई कारण था किसी चीज़ का, तो वो एक छत से जो है ना ये दूसरी छत पर ये यूं ही कूद जाता है। और ये ऐसे ही कूद गया, मतलब अननोइंगली ये कूद गया, इसको खुद को भी नहीं पता कि ये कर सकता है इसने, और वो चीज़ कर दिखाई। और लेकिन जब दूसरे लड़कों ने वही कार्य करके दिखाया, जब दूसरे लड़के कूदे तो ये इस कार्य को नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ों को टेंशन में ले लेता था, ये बहुत गंभीरता से ले लेता था, और गंभीरता से चीज़ों को लेने के कारण चीज़ें इसके पास से सरक जाती थी और ये उस कार्य को करने में अनेबल रहता था। तो माइकल जो है वो माइकल एक द्वंद्व की तरह ही झूलता रहता है कि लाइफ में वो क्या करे क्या ना करे। अब क्या होता है, माइकल को एक लड़की से प्यार हो जाता है। माइकल को जब उस लड़की से प्यार होता है तो वो सोचता है कि वो उससे बातें करे, अपनी मोहब्बत का इजहार करे। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर आपको याद हो T.S. Eliot जो कि अंग्रेजी के एक फेमस कवि रहे हैं, उनकी एक कविता है लव सॉन्ग ऑफ जेल प्रूफ्रॉग, जिसमें प्रूफ्रॉग को भी प्यार होता है, और प्रूफ्रॉग जो है अपनी प्रेमिका को प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही चलता है कि करूं ना करूं। तभी तो वो ये लाइन कहते हैं, लेट्स गो देन यू एंड आई, व्हेन द इवनिंग स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, लेट्स एथराइज अपॉन अ टेबल लाइक अ पेशेंट। जब ये लाइन वो बोलते हैं कि चलो चलते हैं तुम और मैं, और शाम के समय वो इस कार्य को अंजाम देना चाहता है, और यहाँ पर तुम और मैं मतलब वो अपने अंतरात्मा से कह रहा है, यहाँ पर कवि जो अपनी आत्मा से खुद से कह रहा है, या फिर वो हो सकता है अपनी प्रेमिका से कह रहा हो, क्योंकि इसके तीन रूप निकाले गए हैं कविता में, कि शरीर और आत्मा आपस में बातें कर रहे हैं,
कवि और भगवान आपस में बातें कर रहे हैं और पोइट और उसकी बिलव्ड बातें कर रहे हैं। तो वो जो मेन है वो है कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम और मैं चलते हैं, और उस समय शाम के समय वो प्रेम में लीन हो जाएंगे, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो ऐसा कार्य करे या ना करे। ठीक उसी कविता की तरह यहाँ पर माइकल के दिमाग में भी द्वंद्व चल रहा है, जैसे कि जो प्रूफ्रॉग टीएस इलेट की कविता लव सॉन्ग में कहता है ना, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर मीन टू बी, आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, नहीं मैं राजकुमार हैमलेट तो नहीं हूँ और ना ही मैं बन पाऊँगा। ठीक उसी प्रकार से माइकल जो है वो अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता, अपने जो भावनाएं हैं उनसे ओवरकम नहीं हो पाता, उनको नहीं जीत पाता है, और वो जो है चाह कर भी उस लड़की को जिससे वो प्यार करता है अपनी कोई बात नहीं कह पाता, जबकि उसकी माँ जो है वो उसको अपने साथ लेना चाहती है, लेकिन तब भी जो है ये जो लड़का है माइकल ये बिल्कुल अलग हो जाता है। और दूसरी बात ये कि कारण वही है परिवार की, जो ये तनाव चल रहा है ना फैमिली में, जो तनाव चल रहा है माँ बाप के बीच में, जो झगड़ा हो रहा है, ये सबसे बड़ा इसका कारण दिखाई पड़ता है हमें, इनके माँ बाप के बीच में एक लड़ाई होना। और ये इसी वजह से इस दुनिया को जो है ना उस ऐसे स्थान पर चला जाना चाहता है जहाँ पर केवल और केवल शांति हो, जहाँ पर कोई भी जानने पहचानने वाला ना हो, ऐसे स्थान पर इसकी जाने की इच्छा है, क्योंकि जब इसके माँ बाप की लड़ाई होती है तो इसको सबसे ज़्यादा डर ये लगता है कि कोई सुन ना ले, कोई बाहर का व्यक्ति ना सुन ले, कोई गली में कोई व्यक्ति ना सुन ले, कोई परिचित ना सुन ले, क्योंकि सभी लोग जो है आपको पता ही होगा कि सभी लोग तमाशा देखने वाले होते हैं, जब लड़ाई होती है तो सब लोग आनंद लेने वाले होते हैं, तो इसको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चुभती हैं, और इसी चुभन के कारण वो वहाँ से चला जाना चाहता है, वो उस स्थान को छोड़ देना चाहता है, जाना चाहता है एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई भी उसका अपना ना हो, कोई भी जानकार ना हो। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि एक कविता है डब्ल्यू बीट्स की लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जिसमें वो कहते हैं कि अब मैं आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड दे ऑफ क्ले एंड मेटल्स मेड, अब मैं जागूंगा और चला जाऊंगा इनिसफ्री को और एक छोटी सी झोपड़ी वहां पर बनाऊंगा। वो भी जिंदगी के तनाव से मतलब बहुत परेशान थे, लंदन की बिजी लाइफ से फेड अप थे, इस वजह से वो इनिसफ्री जाना चाहते थे। ठीक उसी प्रकार यहां पर जो माइकल है, माइकल भी जो है परिवार के तनाव से, समाज के तनाव से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका है, और उसी डिप्रेशन के कारण ये इस संसार, इस जगह को छोड़ देना चाहता है और चला जाना चाहता है एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी इसका अपना ना हो। लेकिन फिर मन में फिर ख्यालात आते हैं कि करूँ या ना करूँ, ऐसा करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, और फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो चला जाएगा। लेकिन फिर भी जब उसने डिसाइड किया कि वो चला जाएगा तो वो जाता कहीं और नहीं है, उसको पता है कि शहर में उसके एक अंकल रहते हैं, और वो तब डिसाइड करता है कि वो अपने अंकल के पास ही जाएगा और वहाँ पर जाकर एक नए प्रकार के जीवन को वो व्यतीत करेगा। और लेकिन उसको लगता है कि मेरे परिवार के प्रति भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो माँ बाप जिन्होंने मुझे पाला है मेरी उनके प्रति भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो मुझे उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना होगा। तो वो ये डिसाइड करता है कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं अपने चाचा के साथ वहाँ पर रहूँगा तो मैं अपने माँ बाप को ज़रूर अपने बारे में यहाँ पर अवगत कराऊँगा, ताकि उन्हें चिंता ना हो कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें पता चल जाए कि मैं अंकल के पास हूँ, तो मैं एक पत्र के माध्यम से उनको ज़रूर इस बात का अवगत कराऊँगा, और मैं अपने फ्यूचर को जो है वहीं पर डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने करियर को मैं वहीं पर ही आगे लेकर, आगे की दिशा में लेकर बढ़ूँगा। तो यहाँ पर ये जो कविता है, ये कहानी एक द्वंद्व के साथ ख़त्म होती है, एक कन्फ्लिक्ट जो कि माइकल के दिमाग में चल रहा होता है कि वो क्या करे कैसे करे, और फाइनली वो डिसीजन लेता है कि वो चाचा के पास जाएगा और वो चला जाएगा। दोस्तों ये थी आज की कहानी हमारी दरानवे, जो मार्ले कलेगन की लिखी हुई कहानी है। दोस्तों मैं बीए फर्स्ट ईयर की आपके इस कोर्स में सीसीएस यूनिवर्सिटी में 10 शॉर्ट स्टोरीज लगी हुई हैं, और ये 10 की 10 कहानियाँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझा चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी कहानी मिस की है या नहीं सुन पाए हैं तो प्लीज़ मेरी जो प्लेलिस्ट है या फिर जो मेरी वीडियोज़ की जो लिस्ट है उसमें जाकर उसको ज़रूर सुन लें। हर कहानी को कोर्स में जब आप एग्ज़ाम में देने जाएँ तो उससे पहले ये कहानी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आपको एग्ज़ाम देना और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा जो ग्रामर का सेक्शन लगा हुआ है, ग्रामर की भी आपकी सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड की गई हैं यूट्यूब चैनल पर, आप उनकी भी स्टडी कीजिए।
और इसके अलावा अगर जो आप कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं या फिर TGT PGT इंग्लिश की तैयारी आप में से कोई भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ शेयर माय वीडियो ऑल्सो एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।